क्या आप भी अपने गैलरी में लॉक लगाना चाहते हैं ताकि बिना आपके परमिशन के कोई भी आपके पर्सनल फोटोज को न देख सके? वेल, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सहारा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूँ। और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सके। अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों, अपनी गैलरी में लॉक लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको ऐप लॉक के ऑप्शन को ढूंढ लेना है। ये ऐप लॉक का ऑप्शन आपको सेटिंग्स में कहीं न कहीं मिल जाएगा। अगर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन सेटिंग्स में नहीं मिलता है तो आपको ऊपर सर्च सेटिंग्स पर क्लिक करके ऐप लॉक लिखकर सर्च करना है। ऐप लॉक लिखकर सर्च करते ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। बट आपको बता दें, मेरा मोबाइल एमआई का है, इसलिए ये ऐप लॉक का ऑप्शन सिंपल सर्च में मिल गया। हो सकता है आपका मोबाइल किसी दूसरे कंपनी का हो और ये ऑप्शन आपको कहीं और देखने को मिले। आपको इस ऑप्शन को खोज लेना है। उसके बाद आपको इस ऐप लॉक पर क्लिक करना है। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको टर्न ऑन पर क्लिक करना है। टर्न ऑन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से अपने पैटर्न को डालना है, यानी जो भी आप अपना पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं आपको उस पैटर्न को यहां पर डाल देना है। तो चलिए यहां पर हम अपने पैटर्न को डाल देते हैं। आपको दो बार सेम पैटर्न को डालना है। दो बार सेम पैटर्न को डालने के बाद नीचे आपको इस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन सिलेक्ट मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको सभी एप्लीकेशन को अनसिलेक्ट कर देना है, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गैलरी को सिलेक्ट रहने देना है, या अगर आप जिस एप्लीकेशन में लॉक लगाना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे यूज ऐप लॉक पर क्लिक करना है। यूज ऐप लॉक पर क्लिक करते ही आपकी गैलरी में लॉक सेट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने गैलरी को ओपन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, गैलरी को ओपन करते ही यहाँ पर पैटर्न लॉक मांगा जा रहा है। तो चलिए हम अपने पैटर्न लॉक को डाल देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पैटर्न लॉक को डालते ही मेरा गैलरी ओपन हो चुका है। इसी तरह से आसानी से आप अपने गैलरी में लॉक सेट कर सकते हैं।